नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। पत्रकार से कहासुनी मामले में जजमेंटल है कि प्रोड्यूसर्स ने मांगी माफी, जारी किया स्टेटमेंट। हाल ही में फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रमोशन के दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस की एक पत्रकार के साथ तीखी बहस हो गई थी। मामला इस कदर तूल पकड़ा कि जर्नलिस्ट ने कंगना की फिल्म को कवरेज न करने और उनका बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गिल्ड ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स और कंगना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। बहरहाल, इस पूरे मामले पर फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने माफी मांग ली है और इवेंट के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर खेद जताया है। एकता के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में लिखा है, 7 जुलाई 2019 को फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर फिल्म के एक्ट्रेस और पत्रकार के बीच जो कुछ भी विवाद हुआ उसे लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। ना चाहते हुए भी इवेंट का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जो कुछ भी हुआ वो एक्टर और पत्रकार के बीच का था, उसे लेकर उनके अपने अपने विचार थे। चूँकि हम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इसलिए इस पूरे विवाद के लिए हम माफी मांगते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें खेद है। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारी फिल्म जजमेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज हो रही है, इसलिए हम मीडिया से गुजारिश करते हैं कि एक मामले की वजह से टीम की मेहनत को बेकार ना जाने दिया जाए। आपको बता दें कि जब ये सब पूरा मामला हुआ उस वक्त एकता कपूर और फिल्म के लीड हीरो राजकुमार राव भी वहां पर मौजूद थे। जब माहौल गर्मा गया तो एकता और राजकुमार राव ने माफी भी मांगी थी। इस पूरे विवाद पर गिल्ड ने एकता कपूर को एक लेटर भी सौंपा था जिसमें उन्होंने कंगना के बर्ताव को गलत ठहराया था और सार्वजनिक रूप से कंगना से माफी की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर कंगना की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर साफ किया है कि कंगना माफी नहीं मांगेगी। इतना ही नहीं, रंगोली चंदेल ने मीडिया को काफी भरा बुला भी कहा है। अब देखना ये होगा कि कंगना माफी मांगती है या फिर नहीं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।